we are continuing this chapter air and water. ओके इसके प्रीवियस वीडियो ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था द एटमोसफियर हेल्प्स इन अ वेरियस वे एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. सो स्ट्रेचिंग द माउथ ऑफ द बलून मेक्स अ वेरी टाइनी स्पेस फॉर द एयर टू फ्लो आउट ऑफ द बलून. द एयर प्रेशर ऑफ द बलून इट्सेल्फ फोर्सेस द एयर आउट ऑफ आउट द माउथ बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग द स्पेस इज लिमिटेड. द एयर फ्लो कॉजेज द बलून माउथ द स्ट्रेचेज द पार्ट टू वाइब्रेट. द वाइब्रेशन कॉजेज द नॉइज. कह रहे हैं कि जब हम बलून को अपने मुंह से उसमें एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बलून का माउथ होता है ना, जो उसका अपर पोर्शन होता है वो क्या होता है, काफ़ी टाइनी होता है. मतलब जो उसमें स्पेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं. और हम लोग कैसे उसमें एयर को ब्लो करते हैं अपने माउथ से, कि जब हम उस स्पेस को लेते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेच और थोड़ा सा उसको इस तरीके से यूँ ऐसे स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने के बाद आपने देखा है कि वहाँ से एक स्पेस ओपन होता है जो कि बहुत टाइनी होता है, और वहाँ से हम लोग एयर ब्लो करते हैं बलून में. तो वहाँ से एक जो हमारा एयर का जो हम लोग ब्लो करते हैं बलून में, वहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो बलून में भी जाता है, जो क्या करता है उस बलून को धीरे धीरे वो बलून फूलने लगता है. ठीक है. और जो स्ट्रेचिंग वाला पार्ट होता है वहाँ पे वाइब्रेशन भी होता है. वो वाइब्रेशन क्या करता है, नॉइज़ करता है. जैसे आप लोग कभी बलून को अगर फुलाते हो तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें आवाज़ भी आती है जब उसको आप लोग स्ट्रेच करते हो या फिर हवा ब्लो करते हो, उसमें से हवा जब आप लोग निकालते हो, है ना, तो वो उसमें से जो वाइब्रेशन होता है उसी से वो नॉइज़ क्रिएट करता है. तो ये एयर के प्रॉपर्टीज की ये एक्टिविटी आप लोग एक्टिविटी है 11.1, ये आप लोग पढ़िएगा. और इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो इसको आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो इसको आप लोग अगर पढ़िएगा जरूर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ये आपका कुछ क्विज है. नंबर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है कि द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसी को यहाँ पे आपको फिल करना है. कैसे फिल करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. मतलब जो अर्थ से कितना ज़्यादा पास है वहाँ से होते हुए कितना ज़्यादा वो दूर जाता है. ठीक है, उस ऑर्डर में इसमें आपको जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसको अरेंज करके उसको लगाना है. तो ये आप लोगों का होमवर्क है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द वाटर इंक्लूड टू एयर. जैसे कि हमको ये पता है कि हमारे अर्थ से मोस्ट ऑफ द रीज पार्ट जो है वो वाटर ही कंज्यूम करता है. मतलब सॉरी, वाटर कंजस्ट कर वाटर होता है वहाँ पे. और लेकिन जो सारे वाटर होते हैं, सारे वाटर हमारे इसको हम यूज नहीं कर सकते ड्रिंक करने के लिए. क्योंकि क्या होता है, नेचर में बहुत सॉल्टी होते हैं और आजकल जो इतना पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो बहुत मोस्टली वाटर क्या होते हैं हमारे इंप्योर होते हैं और हम वाटर को प्योरीफाई करने के बाद फिर यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एबंडेंट लिक्विड ऑन द अर्थ. वाटर क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ऐसा लिक्विड जो हमारे अर्थ पर पाया जाता है वो वाटर ही है. ठीक है, और हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट वाटर यू कैंट सर्वाइव इन द अर्थ. 2/3 ऑफ आर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग ओशियन सीज रिवर्स एंड लेक्स. तो 2/3 पार्ट होता है हमारे अर्थ सरफेस का, यानी कि 2/3 पार्ट यानी कि 2/3 हिस्सा जो हमारे अर्थ सरफेस का है उस पर ओशन है, सी है, रिवर है और लेक्स. तो वाटर इन सीज एंड ओशन इज टू सॉल्टी फॉर आर कंजम्पशन. जो हमारे सी और हमारी ओशन का जो वाटर होता है वो नेचर में बहुत सॉल्टी होता है, इसीलिए उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, है ना, डेली यूज में. तो वाटर वी कंज्यूम फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर एक्टिविटीज कम फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड वेल्स. जो वाटर हम लोग यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए और दूसरी एक्टिविटीज के लिए, वो हमें रिवर, लेक, पॉन्ड्स और वेल से मिलती. ठीक है, ओशन और सी के वाटर हम लोग यूज नहीं करते हैं. दिस वाटर इज नॉट प्योर इनफ एज इट मे कंटेन इम्प्योरिटीज सच एज जर्म्स, डर्ट एंड मस्ट. जो हम लोग वाटर कंज्यूम करते हैं रिवर से, लेक से, पॉन्ड से एंड वेल से, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे वाटर हमारे प्योर हैं. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं. ठीक है, जो हमें
दिखाई नहीं देती, जो कि विजिबल नहीं होती है। उसमें जंग्स होंगे, डस्ट होंगे और मड होगा। तो वो इम्प्योरिटीज को हम प्योर करते हैं। किस तरीके से प्योर करते हैं? जनरली इम्प्योरिटीज इन वाटर और आर ऑफ टू काइंड, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल। कह रहे हैं जो इम्प्योरिटीज होता है वाटर में, वो टू टाइप्स का होता है, सॉल्युबल होता है एक इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है जो कि वाटर में टोटली मिक्स हो जाती है और हम उसे देख नहीं पाते, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है जो कि वाटर में होती तो है पर वो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज किस तरीके से हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं।